हाय डियर फ्रेंड्स, एडवी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया जा रहा है इस साल 2021 और 22 के लिए, यानी उसका फॉर्म जो है आ चुका है दोस्तों। इसका लास्ट डेट 15 नवंबर है। देखिए, मुख्य परीक्षा, अवसर परीक्षा और RTD परीक्षा, यानी कि एक सब्जेक्ट जिनका बचा हुआ है कक्षा 12वीं का, है ना, उनको किस प्रकार से फॉर्म भरना है इसको अपन बोलते हैं RTD। देखिए, आपने 2021 में चार विषय लेकर आपने पढ़ाई किया होगा, चार विषय का जो है आपने एग्जामिनेशन दिलाया होगा, एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है जिसको अपन RTD बोलते हैं दोस्तों। ये जब हम बिना गैप के दसवीं, यानी हम डायरेक्ट जब पास हो जाने के जस्ट बाद 12वीं का एग्जाम दिला लेते हैं, तो हमको सिर्फ चार सब्जेक्ट ओपन के द्वारा दिया जाता है और हमको एक सब्जेक्ट एक साल के बाद फिर से कम्प्लीट करना होता है। तो देखिए, सही तरीके से फॉर्म भरना हमको सीखना होगा, क्योंकि यदि हम गलत तरीके से फॉर्म भर के यदि हम जमा करने के लिए ले जाते हैं तो वो जो है हमको भगा देते हैं, बाहर कर देते हैं कि आपने सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से फॉर्म जो है फिलअप करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए सबसे पहले तो रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है ना, छात्र का नाम डाल देना है ना, पिता का नाम, परीक्षा का माध्यम, ये सारे जो है मैंने एक फॉर्म जो है फिलअप किया है, आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो लगा देंगे और इसके साथ जो है ये जो अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसको डाल के रख दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये सभी सेंटर में, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं सब में एक ही फॉर्म होता है, सर्व और RTD फॉर्म जो है, इसलिए आप कोई भी फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका कक्षा 10वीं जो आपने अभी अभी पास किया है ना, ये नई कक्षा 12वीं जो अभी पास किया है चार सब्जेक्ट का, उसका फ़ोटो कापी लगेगा, एक आधार कार्ड की कॉपी लगा देना और यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतना ही करना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये फॉर्म है, मैंने एक फिलअप करके रखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर आपको पहले फिलअप कर देना है। देखिए, मैं टिक मार्क करते जा रहा हूँ रेड कलर से। उसके बाद छात्र का नाम लिखा हुआ है, हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुकेश कुमार नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, लिखा हुआ है जैसे देवादास, परीक्षक माध्यम हिंदी कर देंगे, रेड कलर में टिक कर दिया हूँ, देखते जाइए। उसके बाद लिखा है सत्र 2022 की मुख्य परीक्षाओं में, है ना, ठीक है, RTD के अंतर्गत कितने विषय लेकर आपने पढ़ाई किया था। तो आपने चार सब्जेक्ट लिया था, चारों के नाम आपको डाल देना है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, भौतिक है, रसायन है। यदि आप आर्ट वाले हैं तो हिंदी है, इतिहास है, है ना, भूगोल है और राजनीति है, इत्यादि को डालेंगे। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, अकाउंट होगा, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ होगा, यानी जो विषय आपने चार विषय जो लिया होगा आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही चार सब्जेक्ट को लिखना है। और इसका कोड नंबर होता है दोस्तों, देखिए मैं कोड नंबर को यहाँ पर अलग से चिपका दिया हूँ साइड में, आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये चार सभी विषय जो है ना, उसका एक मिनट बस रह गए, आधा मिनट, ठीक है, सभी विषय का यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कोड को आप डाल देना, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप बाद में फॉर्म भर सके, ये सारे कोड को डाल देना है। अब जिस जो विषय आप और दिलाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट आपका बचा है, उस विषय को यहाँ पर साइड में जीव विज्ञान और इसका कोड 314 है। अब यहाँ पर फीस डिटेल आपको डालना है, देखिए 25 है, 40 है, 75 है, बाकी को खाली कोरा छोड़ देंगे, क्योंकि इन सब्जेक्ट को दोस्तों सेंटर वाले भरते हैं कितना लेना है, इसमें लगभग 200 रुपये का खर्च आता है RTD फॉर्म में, एक सब्जेक्ट के लिए 200, है ना, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, है ना, 200 या 250 रुपये लगता है फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पर मैंने फ़ीस भी बता दी आपको, यहाँ पर फिर से आप लिख देंगे मुकेश कुमार, यहाँ हस्ताक्षर करना है मुकेश कुमार, और यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है, ये फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक। और क्या क्या लगाना है मैंने पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पर एक अवसर फॉर्म भी होता है जिसको हम सेम टू सेम ऐसे ही हमको भरना होता है, उसको मैं भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये अवसर यानी कि कोई बच्चे जो है किसी कारणवश जो है सप्लीमेंट्री आए होंगे वो 2019 में, 20 में या 21 में, इसमें 9 बार अवसर दिया जाता है, किसी कारणवश वे छूट गए होंगे या पिछले साल किसी विषय में फेल हो गए होंगे या परीक्षा नहीं दिला पाए होंगे, तब इस को आपको डालना होता है। सेम वही है, रोल नंबर डालना है, नाम डालना है, पिता का नाम, और कौन सा अवसर फॉर्म है, फर्स्ट सेकेंड यानी कि कितने बार आप सफली आए हैं उसको लिखना है, हिंदी अंग्रेजी माध्यम लिख देंगे। अब आपके पांचों विषय को जो पहले आप दिलाए हैं, चाहे कक्षा 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो, कोई भी हो अवसर इसका भरना है तो आपको यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट डालना होगा। उसके जस्ट बाद यहाँ पर जिसमें आप फेल हुए हैं, मान लो आप हिंदी में हुए हैं, अंग्रेजी में हुए हैं, कोई भी विषय एक में हुए हैं, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। देखिए मैं एक नमूना डाल दिया हूँ, हिंदी, संस्कृत या कुछ भी विषय लिख दिया हूँ।
आप यहाँ पर शुल्क विवरण को छोड़ देंगे, ये सेंटर वाले भर के देते हैं, इसलिए इसको पूरा पूरा कोरा छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर क्रॉस का निशान कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ देना है आपको। इसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है जिसे आरटीडी का भरे थे। अब मान लेते हैं आपको विषय परिवर्तन करना है, यानी अपना विषय बदलना चाहते हैं, तो उसमें 250 रुपये शुल्क लगता है। और केंद्र परिवर्तन करना है, यानी आपको उस सेंटर में नहीं दिलाना है, किसी और सेंटर में दिलाना है, तो 500 रुपये लगता है। उसका भी फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए केंद्र परिवर्तन करना है तो ये आपका जो है फॉर्म है दोस्तों, है ना, केंद्र परिवर्तन हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उससे डाउनलोड करके आप केंद्र परिवर्तन कर सकते हैं। यानी आप मान लेते हैं अभी रायपुर ज़िले में है, आपको बिलासपुर ज़िले में दिलाना है, है ना, तो इस फॉर्म को आप जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व में चयनित केंद्र का नाम, केंद्र क्रमांक, ये सब को आपको भरना होगा, ठीक है। भरने के बाद ये सब भी जानकारी भरना है आपको, नाम, ये सब रोल नंबर वगैरह है, सब चीज़ भर देंगे, है ना, और यहाँ पर 500 रुपये लगता है, ठीक है, उसको आपको डाल देना है और कुछ नहीं करना है। ये बस छोटा सा फॉर्म है, ये सब जानकारी देना है, आवेदक पत्र, व्यवहार का पता इत्यादि को भर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार विषय परिवर्तन का सेम टू सेम फॉर्म आता है, उसको भी अपने को फिलअप कर देना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।